जज़ीरे अरब के मशरिक और मगरिब में दो आलमी कुव्वतें ईरान और रोम मौजूद थीं, जिन्होंने दुनिया के बहुत बड़े हिस्से को अपने कब्जे में लिया हुआ था। इसी दौरान अरब के सहराओं से सदाए हक बुलंद हुई। जंग अहज़ाब में कुरैश और इनके इत्तेहादियों की शिकस्त के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के साथ सुलह हदैबिया का मुआहदा किया। इस्लाम की पे दर पे फतूहात ने दुश्मनान इस्लाम को चौंका दिया था। जंग अहज़ाब में जज़ीरे अरब की तमाम ताकतें अपना जोर लगा चुकी थीं, लेकिन इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो इस्लाम के दुश्मनों यानी के कुरैश मक्का, मुनाफिकीन मदीना और यहूदियों ने मदाइन में खुसरू परवेज और शाम में हरकल से खत्तो किताबत शुरू कर दी और इस्लाम को दबाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगे। कैसरे रूम को जब इस्लामी फतूहात का इल्म हुआ तो इसने मुसलमानों से मुकाबला करने के लिए जंग की तैयारियां शुरू कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी ममालिक के बादशाहों को खतूत भेजे और इन्हें इस्लाम की दावत दी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खत बसरा के गवर्नर को तहरीर फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीर फरमाया कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। ये नामा गिरामी हजरत हारिस बिन उमैर लेकर गए। जब वो मोता के मुकाम पर पहुंचे तो वहाँ के एक रईस शर्जील अल गसानी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासत को पकड़कर शहीद कर दिया। इस ज़माने में कासत या सफ़ीर का कत्ल एक बदतरीन और नाकाबले मुआफ़ी जुर्म था और इससे कबल किसी ने भी सफ़ीर को कभी कत्ल नहीं किया था। यह जुर्म ऐलान जंग समझा जाता था, यहाँ तक कि आज भी इसे संगीन जुर्म समझा जाता है। जब यह अलमनाक खबर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी तो आपको बहुत दुख हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहीद सहाबी का इंतकाम लेने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। मुजाहिदीन को हजूर ने मदीने तैयबा से 3 मील दूर जरफ के मुकाम पर जमा होने का हुक्म दिया। सैयदना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ लाए और जोहर की नमाज अदा फरमाई। नमाज के बाद सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहि अजमाइन से इरशाद फरमाया कि इस लश्कर का सिपा सालार जैद बिन हारसा को मुकर्रर करता हूँ, अगर ये शहीद हो जाएं तो जाफर बिन अबी तालिब इस लश्कर की कमान संभालेंगे, अगर जाफर भी शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा मुजाहिदीन के सिपा सालार होंगे, और अगर ये भी राय हक में शहीद हो जाएं तो मुसलमान जिसको चाहें अमीर मुंतखिब कर लें। हज़रत जैद बिन हारिस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम और मुँह बोले बेटे थे। हज़रत जाफर तैयार हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा के भाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास मुसाहिबीन में से थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा मौज़ज़ अंसारी और मशहूर शायर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से हज़रत जैद बिन हारिस को अलम अता फरमाया। मुजाहिदीन को ताकीद फरमाई कि सबसे पहले हारिस बिन उमैर शहीद की कब्र पर हाज़िरी दें और लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत दें। अगर वो इस दावत को कबूल कर लें तो बहुत अच्छा, और अगर वो इस्लाम की दावत कबूल ना करें तो अल्लाह ताला से मदद तलब करते हुए इनसे जंग करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन इस्लाम को रुख्सत करते हुए ये हिदायत फरमाई थी कि मैं तुम्हें अल्लाह ताला से डरने की नसीहत करता हूँ और जो मुसलमान तुम्हारे हम सफ़र हैं इनके साथ भलाई की ताकीद करता हूँ। अल्लाह ताला का नाम लेकर अल्लाह ताला के मुनकर लोगों के साथ जंग करो। किसी को धोखा ना देना, बददयानती ना करना, किसी बच्चे और औरत को कत्ल ना करना, और खानकाहों में गोशा नशीन रहने वालों को कैद ना करना, किसी दरख्त को नुकसान ना पहुंचाना और ना ही इसे काटना। जमादिल अव्वल 8 हिजरी में 3000 सिपाहियों की इस्लामी फ़ौज मोता की तरफ रवाना हुई। इस्लामी फ़ौज ने जब मदीने तैयबा से कूच किया तो शर्जील को इनकी रवानगी की इत्तला मिल गई, तो इसने भी जंग के लिए 1,00,000 फ़ौज जमा कर ली। इस्लामी फ़ौज मदीने तैयबा से जब मुल्क शाम के मां नामी कस्बे में पहुंचे तो इन्हें खबर मिली कि शर्जील की फ़ौज के अलावा हरकल भी 1,00,000 फ़ौज के साथ बलका में खैमा जन हो गया है। बाज़ मुर्रखीन ने लिखा कि इस रोमी लश्कर की क़यादत हरकल का भाई कर रहा था। जब इस्लामी लश्कर मोता के मुकाम पर पहुँचा तो रोमी और गसानी लश्कर आमने सामने हुए। रोमी और गसानी लश्कर की तादाद 2,00,000 और इस्लामी लश्कर की तादाद बमुश्किल 3,000 थी। दोनों लश्कर एक दूसरे पर हमला आवर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता फरमाया हुआ अलम हज़रत सैयदना जैद बिन हारसा के हाथ में था। आपकी तलवार मौत बनकर दुश्मनों की सफ़ों पर कयामत बर्पा कर रही थी।
बिलाखर एक दुश्मन ने नेजा हजरत जैद बिन हारिसा के सीने में उतार दिया और हजरत जैद बिन हारिसा शहीद हो गए। इससे पहले कि इस्लाम का परचम इनके हाथ से ज़मीन पर गिरता, हजरत जाफर बिन अबी तालिब आगे बढ़े और इन्होंने परचम उठा लिया। कुफार के तीर और तलवारों ने आपको भी शदीद जख्मी कर दिया, लेकिन हजरत जाफर तैयार आखिर दम तक दुश्मनों से मुकाबला करते रहे। इसी दौरान एक रूमी ने अपनी तलवार से इनको शहीद कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा तेज़ी से आगे बढ़े और उन्होंने झंडा उठा लिया, यहाँ तक कि वो भी शहीद हो गए। इसके बाद हजरत साबित बिन कैस आगे बढ़े और इस्लाम के झंडे को उठा लिया और बुलंद आवाज़ में मुजाहिदीन से कहने लगे, ऐ इस्लाम के सरफरोशो, अब ऐसा आदमी मुंतखब कर लो जो इस्लामी अलम को बुलंद रख सके। लोगों ने कहा कि हम तुम्हें अपना अलम्बरदार बनाते हैं। हजरत साबित बिन कैस ने कहा कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। सामने हजरत खालिद बिन वलीद खड़े थे। हजरत साबित बिन कैस ने हाजरीन से पूछा, क्या तुम खालिद को कायदे लश्कर मुंतखब करने पर रजामंद हो? सब ने बयक आवाज कहा कि हम रजामंद हैं। अहादीस मुबारक में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के हमरा मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। मुकाम मौता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों के सामने कोई पर्दा हायल नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराह रास्त मैदान जंग का मुशाहिदा फरमा रहे थे, गोया खुद मैदान जंग में मौजूद हों। आपने इरशाद फरमाया कि जैद कुफार के साथ लड़ रहे हैं और वो शहीद हो गए। अब जाफर मार का आजमा है और वो भी शहीद हो गए। अब अब्दुल्ला ने अलम उठाया है और वो भी राह खुदा में निसार हो गए हैं। कुछ देर खामोशी के बाद आपने फरमाया कि अब खालिद बिन वलीद अल्लाह की तलवार ने कमान संभाल ली है। वो अल्लाह ताला का बेहतरीन बंदा है, अल्लाह ताला ने इसके हाथ पर फतह नसीब फरमा दी है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, खालिद तेरी तलवारों में से एक तलवार है, बस तू इसकी मदद फरमा। इस रोज़ से हजरत खालिद बिन वलीद सैफुल्ला के लकब से मशहूर हुए। हजरत खालिद बिन वलीद के इस्लाम लाने के बाद ये पहला मौका था कि वो मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे। इससे पहले वो मुसलमानों के खिलाफ ही लड़ते रहे थे। जंगे उहद में खालिद की वजह से ही मुसलमानों की फतह शिकस्त में बदल गई थी। अब वही खालिद बिन वलीद मुसलमानों के लश्कर की क़यादत करने जा रहे थे। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने जिस वक़्त जामे शहादत नोश फरमाया, इस वक़्त मगरिब का टाइम था। दोनों लश्कर अपनी अपनी छावनियों में वापस चले गए। सैयदना खालिद बिन वलीद की जंगी हिकमत अमली अगले दिन सामने आई। आपने इस्लामी लश्कर की तरतीब बदल दी और लश्कर की नए तरीके से सफबंदी की। आपने दाएं हिस्से के मुजाहिदीन को बाएं जानिब और बाएं जानिब के मुजाहिदीन को दाएं जानिब मुंतकिल कर दिया। आगे वाले दस्ते पीछे और पीछे वाले दस्ते आगे मुंतकिल कर दिए और साथ ही कुछ मुजाहिदीन को अपने अकब में भेज दिया और हुक्म दिया कि वो इस्लामी लश्कर के पीछे गर्द उड़ाएं ताकि दुश्मन को लगे कि मुसलमानों को मदीने मुनवरा से कुमुक आ पहुंची है। दुश्मन के सिपाही जब आमने सामने हुए तो देखे हुए चेहरों के बजाय इन्हें अजनबी चेहरे नजर आए। उन्होंने समझा कि इस्लामी लश्कर में नई फौज शामिल हो गई है। यह ख्याल आते ही दुश्मन की फौज के हौसले पस्त हो गए। सैयदना खालिद बिन वलीद ने दुश्मन की नफसियाती बेचैनी को महसूस करते हुए दुश्मन पर हमला कर दिया। दुश्मन के बेशुमार नौजवान मौत के घाट उतार दिए गए और बहुत से दुश्मनों ने खौफजदा होकर मैदान जंग छोड़ दिया। इन हालात को देखते हुए खालिद बिन वलीद ने अपने लश्कर को पीछे हटा लिया। इस तरह मुसलमानों ने भी पीछे हटते हटते मैदान जंग छोड़ दिया और ये जंग बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई। सैयदना खालिद बिन वलीद ने बड़ी बहादुरी से जंग की और वो मुसलमानों को कुफार के बेशुमार लश्कर के नरगे से निकालने में कामयाब हो गए। इस जंग में हजरत खालिद बिन वलीद ने बड़ी बहादुरी से जंग लड़ी। इस जंग में सैयदना खालिद बिन वलीद के हाथों 9 तलवारें टूटी थी। 7 दिन तक ये जंग जारी रही। फरजंदाने तौहीद उकाबों की तरह रोमी लश्कर पर छपटे और इनको मौत के घाट उतार दिया और यूं खालिद बिन वलीद जंगी सलाहियत की बिना पर इस्लामी लश्कर को अपने से 60 गुना ज्यादा दुश्मनों के हिसार से निकालने में कामयाब हो गए। मुसलमान बड़े इत्मीनान से अपने मरकज मदीने मुनवरा की तरफ रवाना हुए। मदीना के करीब पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकबाल के लिए मदीना से बाहर तशरीफ लाए और इस्लामी लश्कर का इस्तकबाल किया।